सो हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो माई नेम इज अंशिका एंड यू ऑलरेडी रेड बाय द टाइटल दैट मैं क्या करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो मैं 2-3 दिन पहले गई थी लॉ गार्डन। अगर आपको नहीं पता है लॉ गार्डन, मैं अहमदाबाद में रहती हूँ तो वहाँ पे एक स्ट्रीट मार्केट है लॉ गार्डन, तो मैं वहाँ गई थी। और वो बेसिकली वो मार्केट नवरात्रि के टाइम पे, और मतलब वहाँ पे चनिया चोली और ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, ये सब काफ़ी अच्छा मिलता है, कुर्तियाँ और ये सब बहुत अच्छा मिलता है। बट वहाँ पे कोई कोई शॉप्स होते हैं जो बार्गेन नहीं करता, और कोई कोई शॉप्स होते हैं वो कर लेते हैं। सो अगर आप ज़्यादा लोगे तो ऑफ कोर्स वो कर देंगे, बट वैसे वो नहीं करते हैं, पर मैं कर लेती हूँ बार्गेन फिर भी। तो मैंने इतना कुछ सामान ऐसे लिया नहीं है, और मुझे स्ट्रीट शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ ठीक है, मुझे बाल बांधने पड़ेंगे शायद। तो मुझे स्ट्रीट शॉपिंग बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो मैं गई थी, और मेरे को इयररिंग्स का बहुत शौक है, मतलब ऑक्सीडाइज के बड़े बड़े जो झुमकीज टाइप होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो। तो मैं वो लेने के लिए गई थी, बट मुझे कोई इतने खास मिले नहीं। तो मैं सिर्फ तीन तो लेकर आई है ना। हाँ मैं 3 लेकर आई हूँ, बट इतने कोई खास नहीं है वो, बस मैं ले आई बिकॉज अच्छे हैं वो ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैं ज़्यादा नेक पीसेस पहनती नहीं, मेरे पास बहुत कम नेक पीसेज है, बिकॉज मैं प्रेफर करती हूँ मैं बड़े इयरिंग्स पहन लूँ, मुझे गले में कुछ ना पहनना पड़े, बिकॉज मुझे गले में पहनना नहीं पसंद है। पर इस बार इयरिंग्स कम थे, तो मैं वही शॉप पे फिर गई, और मतलब वही शॉप की दूसरी साइड पे गई, और वहाँ पे मतलब नेक पीसेज दिखे, मुझे काफ़ी काफ़ी अच्छे लगे। कोई कोई काफ़ी प्राइजी से लगे, जो उसका अमाउंट वो कम नहीं कर रहे थे। तो मैंने बोला नहीं, कम नहीं करोगे तो मैं लेने नहीं वाली हूँ। सो पहले तो मैं ज्वेलरी दिखा देती हूँ। तो जो मैं ज्वेलरी लाई हूँ, मैंने 3 नेक पीसेस लिए है, और 3 मैंने इयररिंग्स लिए है। और मैं जल्दी जल्दी करूँगी ये वीडियो, बिकॉज बारिश शुरू हो गई और मैं छत पे वीडियो शूट कर रही हूँ, क्यों ठीक है। तो पहले जो इयररिंग्स हैं वो हैं ये, मैं पहन के भी दिखाऊंगी, ऑफ कोर्स मैं पहन के दिखाती हूँ, तो बाल बांधने ही पड़ेंगे आज, तो हो गया। और मैं थोड़े छोटे छोटे मॉन्टाज लगा दूंगी। काफ़ी काफ़ी प्यारे इयरिंग्स थे, छोटे वाले में थे अच्छे, और मैं छोटे इयरिंग्स पहनना प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं बड़े इयरिंग्स ही पहनना प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा मिले नहीं मुझे। बाकी तो काफ़ी अच्छे इयरिंग्स थे वहाँ पे, छोटे में, बड़े में तो यार इस बार तो था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। तो यस, मैंने बहुत बकवास कर दिया, बट ठीक है। बहुत अच्छे लगे थे पहले टाइम पे, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग नहीं है या ऐसा कुछ, तो मैंने एक बार के लिए ड्रॉप कर दिया था इसका आइडिया। मैंने साइड में रख दिए थे, पर मैंने बोला यार नहीं ले लेती हूँ, मतलब पता नहीं, क्योंकि वैसे भी अच्छे नहीं थे इतने, तो ले लूँ मैं, मैंने वही प्रेफर किया है, तो मैंने ले लिए। और इसका प्राइस 130 या 140 था शायद, इसका 130 या 140 है प्राइस। यस yes. उन्होंने बोला था 170, मैंने बोला बेट इससे इतना दूँ, मैं नहीं दूंगी इसके लिए। तो यस इयररिंग्स है। सेकंड जो इयररिंग्स है वो हैं, वो मैं एक शूट में पहन चुकी हूँ और काफी लोग वो देख चुके हैं, और वो है ये इयररिंग्स। ऐसे मतलब ये बाली टाइप इयररिंग्स है, और मेरे पास है एक इयररिंग्स, बट वो ऐसे बाली टाइप्स नहीं है, मतलब वो ऐसे वाले नहीं है, बस है वो ऐसे वाले, मतलब मैं नहीं समझा पा रही, मैं पिक्चर लगा दूंगी। तो वैसे वाले इयररिंग्स है, और ये इयररिंग्स ऐसे, ये मैंने पहली बार लिया, और ये बहुत प्रिटी है, बहुत हवा चल रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगे थे मुझे, और ये मुझे चाहिए भी थे बहुत टाइम से, बिकॉज मैंने कभी, ये बिल्कुल नॉर्मल वो होता है जो ऑलमोस्ट जिसको भी इयररिंग्स का शौक होता है उनके पास ऐसे वाले होते ही हैं, और मेरे पास नहीं थे। और मैंने ये देखे, मैंने बोला ओके ये तो मुझे चाहिए, तो मैंने ये लिए थे, मैं पहन के दिखाती हूँ। सो मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा इनको पहनने के लिए, थोड़ा सा बिकॉज करना पड़ा मुझे। और ये है ये इयररिंग्स।
hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. So, ये मेरे सेकेंड ईयर रिंग्स है और ये मुझे मतलब चाहिए थे बहुत टाइम से ऐसे, तो मुझे ये मिल गए और इसका प्राइस मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 120 to 130 इसका प्राइस था। मेरे बाल 120 to 130 इसका प्राइस था और मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और फिर ये ईयर रिंग, ये मेरे फेवरेट ईयर रिंग है इस बार जो मैं लेकर आई हूँ उनमें से, ये बहुत ही प्रिटी और ये 150 के हैं, सबसे प्राइजी ईयर रिंग है ये मेरे। और इसका प्राइस ना समथिंग वो बोले थे 230 समथिंग, मैं बोला नो नो, ये है वो ईयर रिंग, कितने प्रिटी है बस देख लो यार, कितने ज्यादा प्रिटी है। वाओ, ऊपर से इसकी ये जो वाली डिटेलिंग है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद आई है, सो क्यूट। और अब मैं दिखाऊंगी नेक पीस, पहला नेक पीस जो है मेरी माँ के पसंद का, मेरी पसंद नहीं है ये, कि मुझे इतना कोई अच्छा खास लगा भी नहीं था, बट ठीक है 30 रुपीज़ का है ये, तो मैंने बोला यार 30 रुपीज़ में तो क्या ही बुरा है, ले लेती हूँ। एज आई ऑलरेडी सेड, मुझे नेक पीसेस कम पसंद है, तो इसलिए मैं एक बार के लिए थोड़ी सी ऐसी थी कि यार मैं इसे लूँ कि नहीं लूँ, बट ठीक है मैंने फिर ले ही लिया। और ये मैं पहली बार पहनी हूँ इसको अभी, मतलब ऐसे गले पे लगाई हूँ पहली बार। और बहुत क्यूट लग रहा है, आई गेस आई एम चेंजिंग माई माइंड। और ये मैंने ऐसे ही रख दिया था, हाँ। यार क्या मेरे को ऐसा लग रहा था क्या मैं इसको ऐसे पूरा पहनू, इतनी मेहनत करूँ, ऐसे ही रख के दिखा देती, क्यूट लग रहा था वैसे भी। एंड आई गेस नाउ आई लाइक नेक पीसेस। जो दूसरा है, मतलब दूसरा हाँ वो ये है, और ये भी बहुत ज्यादा प्रिटी है, लास्ट वाला है वो मेरा फेवरेट है, तो मैं वो पहन के दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है और वो मैं पहनना चाहती हूँ। दीज आर माई फेवरेट, और शायद मैं कल इनमें शूट भी करूँ, बिकॉज आई लव इट, सो सो प्रिटी। एंड द लास्ट वन इज यू ऑल, द लास्ट वन इज सो प्रिटी, आई एम इन लव विद दिस, सो प्रिटी। मैंने थोड़ा सा टाइट पहन लिया है, बट ठीक है बहुत ही प्यारा है, देखो आई लव इट। मैं इयर रिंग उतार देती हूँ और मैं पूरा नेक पीस भी बना लेती हूँ वीडियो, क्योंकि ये इयर रिंग के साथ तो ये बहुत बुरे लग, सजना है मुझे सजना के लिए, मुझे सजना के लिए। मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ यार, मैं बाल बांध रही हूँ, रुक जाओ, ये वीडियो मुझे से क्यों लग रहा है, ये वीडियो डिजास्टर होने वाली है वापस से, कोई दूसरी वीडियो मेरे चैनल पे जो डिजास्टर है, सिर्फ हवा की वजह से। सो यस, वाओ कितने अच्छा लग रहा है ये नेक पीस। ओके, छोटे से इयर रिंग्स होते तो काफी क्यूट लगता, बट ठीक है अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती उस चीज का। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है शेड्स, वो सिर्फ मैं शूट में ही यूज करती हूँ, मतलब सारे मैं लगा देती हूँ, ये मेरे ब्लैक वाले शेड्स है, ये मेरे येलो वाले शेड्स है, जो अब मेरे पास नहीं है, मानसी दी के पास है, देख रही हो आप, ओके तो मानसी दी के पास है येलो वाले और ब्लैक वाले है मेरे पास अभी भी, मैं सिर्फ उसमें ही यूज करती हूँ शूट में ही, वैसे मेरे कोई काम के नहीं है, मतलब मैं नहीं पहनती हूँ। तो फर्स्ट शेड जो लिया है मैंने वो ये है,
इतना बड़ा, वो मेरी ये मेरी शक्ल से भी बड़ा है, मैं सच बता रही हूँ। उस टाइम पे मैंने ट्राई नहीं किया और अभी बहुत ज्यादा बड़ा है। और इसका मतलब ये दोनों शेड्स ना उन्होंने बोला था 120 120 के, मैंने बोला 200 में दोनों दे दो, चलो अब हो गया। तो ये देखो, तो ये शेड है, ये मेरी शक्ल से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो प्रोबेबली मैं ऐसे रख के शूट करूंगी। तो या तो ये ऐसे ही यूज होगा ये शेड, बाकी देखते हैं। पर आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज, क्योंकि मुझे अब नहीं अच्छे लग रहे हैं, मतलब इसकी ये वाली जो चीज है ये मुझे नहीं अच्छी लग रही है, बट मैं ट्राई करके दिखाती हूँ आपको। और ये डिफेक्टिव भी है, मैं अब नोटिस कर रही हूँ, ये देखो, मतलब ये जो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। ये वाले आउटफिट के साथ तो बहुत सुंदर लग रहा है, हो ये भी मैं इसे पहन के खींच सकती हूँ फोटोज। तो यस, ये भी 100 या 110 के थे, मतलब मैंने बताया ना कि 200 के लिए, 220 के लिए मुझे याद भी नहीं है। वो दो शेड्स लिए, 4 ईयर रिंग्स, 3 नेकपीस, 1 टॉप जो मुझे नहीं लेना था, बट मम्मा को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे नहीं पता क्यों, तो मैंने लिया है। और ये है 200 का। वैसे मैं करती हूँ स्ट्रीट शॉपिंग, मैं कपड़े लेती हूँ, मुझे स्ट्रीट शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं मॉल से ज़्यादा स्ट्रीट शॉपिंग प्रेफर करती हूँ। सो बचा लो, ये टॉप है, ये ऐसे ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हो और ऐसे भी पहन सकते हैं, बट ऑफ शोल्डर ज़्यादा क्यूट लग रहा है। yes. और इसका स्टफ भी काफ़ी अच्छा, मतलब 200 के हिसाब से काफ़ी मोटा टॉप है, तो मुझे तो अच्छा लगा। लास्ट चीज़ जो मुझे नहीं लेनी थी, मतलब मैं कभी भी जाती हूँ तो मैं ये चीज़ नहीं लेती हूँ, तो मैं हील्स नहीं पहनती हूँ, मैं हील्स वाली नहीं हूँ, मैं शूज़ प्रिफर करती हूँ। तो ये थोड़ा मेरे लिए ऐसा था कि ओके, और ये मुझे एक बार में ही पसंद आ गया, मुझे नहीं पता क्यों, और ये मैं शूट में पहन चुकी हूँ। ये है वो हील्स, इतनी प्यारी है यार, मुझे नहीं पता, मुझे ये बहुत अच्छी लगी, पहन चुकी हूँ ये, तो इसलिए इतनी कोई ज्यादा हील्स नहीं है, इतनी सी हील्स है, ठीक है, तो ठीक है, इसी हील्स है। गंदी हो गई है, वाइट है ना यार, जल्दी गंदी हो जाएगी। तो ये था मेरा जो लॉग गार्डन वाला स्ट्रीट शॉपिंग का हॉल, एंजॉयड इट, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। नहीं, एक मिनट। सो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वैसे ये वीडियो भी मैंने लेट डाली है, एक हफ्ता हो गया है मेरे को, मैंने 1 वीक कुछ पोस्ट नहीं किया यूट्यूब पे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट कंसिस्टेंट, बट ये वीडियो आएगी। उसके बाद एक डायरेक्ट ट्रैवल ब्लॉग आएगा शायद, या उससे पहले मैं एक और वीडियो शूट कर लूँ, मुझे नहीं पता है, बाकी तो वैसे तो पका है कि ट्रैवल ब्लॉग ही आना है, तो वो ट्रैवल ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। सो तो अगर इसके बाद वीडियो शायद लेट हो सकती है, बिकॉज मेरा ट्रैवल ब्लॉग नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक मुझे ट्रैवल करना है, तो मुझे नहीं, आई एम नॉट श्योर अभी कि कैसा रहेगा या कैसा नहीं। तो येस, दिस इज इट for this video, and if you enjoyed it, please like, comment and share. So, bye bye.